नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे आप पीसीएस एनपी रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके सेल्स पर्सन क्रिएट करेंगे, और जब भी उस सेल्स पर्सन के थ्रू कोई भी गुड्स सेल किया जाएगा किसी भी कस्टमर को, तो कैसे आप उस सेल्स पर्सन के लिए उस गुड्स के अमाउंट का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे मास्टर में। मास्टर में ऑप्शन है एंटिटी मास्टर। एंटिटी मास्टर में ऑप्शन है क्रिएट एम्प्लॉई। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉई क्रिएट करने के लिए हम एम्प्लॉई की टैब पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉई की टैब पे क्लिक करने के बाद जो भी एम्प्लॉई टाइप है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉई टाइप परमानेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी एम्प्लॉई नेम है, जो भी एम्प्लॉई का नाम है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर उस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और जो डेजिग्नेशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन सेल्स पर्सन रहेगा। देन उसके बाद आप स्टेटस एक्टिव करेंगे। अगर सिटी, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सब आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। देन कमीशन सेट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय की फोटो लेना चाहते हैं वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लेना चाहते हैं तो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही एम्प्लॉई सेल्स पर्सन जो एम्प्लॉई है वो क्रिएट हो जाएगा। देन अब हम उस एम्प्लॉई के थ्रू जो भी सेल किया गया है उस पर कैसे कमीशन कैलकुलेट होगा वो ऑटोमेटिक होगा। मतलब कमीशन ने 5% सेट कर रखा है, कमीशन 5% में है तो 5% सेट कर रखा है। तो जो भी सेल होगा उसके थ्रू उस सेल का 5% अमाउंट कमीशन उस सेल्स पर्सन को मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले हम सेल पे जाएंगे। सेल पे ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स का। सेल ऑफ गुड्स पे क्लिक करेंगे। सेल ऑफ गुड्स पे क्लिक करने के बाद सेल का फॉर्म ओपन होगा। सेल का फॉर्म आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सेल्स बिल काट सकते हैं, बिल क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपने जो भी कस्टमर गुड्स परचेस कर रहा है उस गुड्स को सिलेक्ट करना है। आप उसको नाम के थ्रू, कोड के थ्रू, बारकोड के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, शॉर्ट कोड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। देन आप कितनी क्वांटिटी वो ले रहे हैं उसको आप कर लेंगे। दो क्वांटिटी ली हुई है कस्टमर ने, और जो सेल पर्सन है उसका नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही वो आइटम ऐड हो जाएगा। अब आपने F10, सिर्फ F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू वॉन्ट टू प्रिंट। अगर आप ओके करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, बिल सेव हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ओनली बिल सेव हो जाएगा। अभी मैं कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि जो प्रकाश नाम के सेल्स पर्सन था उनका कितना कमीशन कैलकुलेट हुआ। तो उसके लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड देन सेल पर्सन वाइज सेल्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें आप थर्ड ऑप्शन SPB में क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सेल पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर 28 जून में रन हो रहा है तो हम वही डेट रहने देंगे, और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट ओपन होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो बिल कटे हैं। सेल पर्सन जो बिल, सेल पर्सन का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, और डेट और बिल नंबर, और उस बिल में क्या आइटम सोल्ड आउट हुआ था इन सेल पर्सन के थ्रू, तो उसका क्या अमाउंट है और क्या कमीशन कैलकुलेट हुआ। 5% कमीशन 12.5 है, यानी 12.50 पैसा, और बिल नंबर 7647, और उसमें भी सेम गुड्स सोल्ड आउट हुआ है जिसका अमाउंट है 500, और जो कमीशन मिला 25। तो इस तरह से आपको सेल पर्सन का जो भी कमीशन होगा वो दिख जाएगा, और आप उसे इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेल पर्सन को। आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।